पाकिस्तान के लोग कैसे जिए। डॉलर की किल्लत ने वहां कई तरह की दिक्कतें पैदा कर दी है। इन्हीं दिक्कतों में शामिल है जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वहां की मेडिकल स्टोर के काउंटरों से जीवन रक्षक दवाएं गायब हो रही। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवा का स्टॉक खत्म हो चला। स्थिति इतनी गंभीर है कि अस्पतालों में ऑपरेशन तक टाल दिए जा रहे हैं, क्योंकि मरीजों को बेहोश करने के लिए जरूरी एनेस्थीसिया का स्टॉक लोअर लेवल पर आ गया है। पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही कि पाकिस्तान में दवाओं की तंगी के लिए वहां के दवा नियामक प्राधिकरण की विवादास्पद मूल्य निर्धारण नीति भी जिम्मेदार है। मीडिया रिपोर्ट में फार्मासिस्ट और जैविक उत्पादों के आयातक अब्दुल मन्नान के हवाले से कहा गया कि एक तो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी मुद्रा में अत्यधिक गिरावट आई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ड्रग नियामक प्राधिकरण यानी DRAP की विवादास्पद दवा मूल्य निर्धारण नीति के कारण जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। आयातकों के लिए उन दवाओं को DRAP द्वारा दी गई मौजूदा कीमतों पर लाना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गया है। इस समय पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा, उस पर भारी विदेशी कर्ज चढ़ गया, उसका विदेशी मुद्रा भंडार काफी घट गया है। पिछले साल जून में वहां जो विनाशकारी बाढ़ आई थी उसने देश के एक तिहाई हिस्से को डुबो दिया। इस वजह से खेती में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही 3.3 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। इस विपदा ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का चपत दिया था। पाकिस्तानी रुपए के गिरते मूल्य ने तो रंग में भंग डाल ही दिया। डॉलर लगातार महंगा हो रहा, इस स्थिति ने कर्ज के बोझ के तले दबे पाकिस्तान में आयातित और जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी को जन्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब निजी अस्पतालों में भी इंपोर्टेड दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया। इसके साथ ही आयातित टीको, कैंसरों की बीमारी में काम आने वाली दवाएं, प्रजनन दवाओं और एनेस्थीसिया गैसों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में अधिकतर दवाओं का प्रोडक्शन लोकल लेवल पर ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए कच्चा माल या API विदेशों से मंगाया जाता है। वहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की जितनी कमी है उसे देखते हुए इस समय विदेशों से कच्चा माल पर्याप्त नहीं आ पा रहा। पाकिस्तान में भारत, चीन, रूस, यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका और तुर्की आदि देशों से अधिकतर दवाएं, इंजेक्शन या टीके आयातित किए जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में जिस तरह से दवा का स्टॉक खत्म हो गया, उसके बाद क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा? हाँ या ना में जवाब जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।